वारा खुशीअ मां सभई चओ अॼु मुंहिंजे अङण आयो साईं पागारो मुंहिंजे अङण आयो साईं पागारो जीए 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 साईं पागारो जीए 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 सोनी झलक वारो रहीम मोहतरम जनाब पीर साहब पगारो साहब और स्टेज पे बैठे अकाबरीन हुर जमायत के साथियों इधर हुरानी है प्रेस मीडिया के दोस्तों सोशल मीडिया दोस्तों नौजवान भाईरो अस्सलामुअलैकुम। ये जो आज इज्तिमा इधर जमा हुआ है ये इज्तिमा इलेक्शन की धांधली के खिलाफ आज जमा हुआ है और ये जमा होने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक दिन में अपने जो टारगेट्स हैं वो जब तक अवाम की मैंडेट अवाम का लूटा हुआ वोट उसका हक वापस नहीं ले सकते ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन जो करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करवाया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस इलेक्शन को जो चुराया गया है उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके करे बजाय इसके कि अवाम कानून की बालादस्ती हाथ से निकाल दे लाकानूनियत फैल जाए उससे पहले सुओ मोटो लेना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। इसका इल्जाम किसी और पे नहीं आना, इसका इल्जाम इदारों पे आएगा, इलेक्शन कमीशन पे आएगा, ब्यूरोक्रेसी पे आएगा और उन ऑफिसरों पे आएगा जिनों के पेट एक बलून है, बलून जिसको अवाम के टैक्स खाए चले जा रहे हैं और वो पेट फट नहीं रहे। पिछले तीन दिनों से आप और हम टेलीविजन पे लैला मजनू की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख रहे हैं, आधा आधा घंटा लैला मजनू के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं बेवजह। अब मुझे ये बताओ जो करोड़ों आदमियों का मुर्शिद हो रूहानी पेशवा हो वो खुद फैसला करेगा
या अपने जीडीए के दोस्तों को जीडीए के दोस्तों को इज्जत देता जरूर है, फैसला पीर पगारो अपने खुद फैसले करता है। तो अब ये फैसला उस ऐवानों के जो दरवाजे से अंदर जाके चोरी के वोटों पे हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बोलना चाहिए कि सिंध की आवाम शहूर के साथ उठ खड़ी हुई है। ये जो वोट के ढकोसला किया और इन्होंने इन्होंने जाली मैंडेट लिए, वो अब कबूल लेनी चाहिए और नए इलेक्शन के लिए खुद अनाउंस करना चाहिए। मैं एक और बात इधर कहूंगा कि लंदन से नारा लगवा के लाए थे वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, वो वीर मेरा कोड़ी चढ़ तो आया, कोड़ा लंगड़ा हो गया। अब वो घोड़ा को टांगे किधर से थे? अब वो कह रहे हमारे पास मेजॉरिटी है, मगर वो मेजॉरिटी के बावजूद फैसला नहीं कर सक रहे शर्म के मारे, कि आए थे 2/3 मेजॉरिटी लेने, उनको सवा मेजॉरिटी भी नहीं मिली। तो उनको ही सोच लेना चाहिए, उनका सब कुछ बाहर है। ये गरीब आवाम का, पाकिस्तानियों का कोई मैं नहीं समझता सुनने वाला अब है। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो कितने घर उजाड़ोगे और कितने घर उजाड़ चुके हो अब तक गलत फैसलों से। अब वक्त आ गया है, सही फैसला कर लो, वरना वो वक्त देखना पड़ेगा आपके बच्चों को, सबको, जो हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम खुद भी नहीं देखना चाह रहे। हर चीज की हद होती है। इलेक्शन खुद करवाया, इलेक्शन की जगह सेलेक्टेड नोटिफिकेशन निकल पड़े, वोट नहीं पड़े, वोटों की जगह पे नोट पड़ गए और इलेक्शन के रिजल्ट बदल गए। मगर फर्दे वाहिद को ये सोचना पड़ेगा कि मैं जवाबदेह हूं 25 करोड़ आवाम का, तो अब उसको 25 करोड़ आवाम का फैसला सुनना पड़ेगा। ये फैसला साफ है कि आप दूध के लिए बिल्ले को चौकीदारी नहीं दे सकते हो। इस वक्त माशी बोरान है पाकिस्तान में, इस माशी बोरान के लिए आप दागियों को कैसे लाके सर पे मुसल्लत कर रहे हो? और इन दागियों को कोई नहीं कबूलेगा, इन दागियों की वजह से ही तो आवाम उठ खड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, एक पीटीआई के नौजवान, एक जीडीए के नौजवान, ये दोनों मुठ बन गए और इंशाल्लाह मुस्तकबिल इन्हीं का होगा। हम आप सबको गुजारिश यही करेंगे, नज्म व ज़ब्त हमेशा अपना दिखाया करें, ईमान की सलामती होनी चाहिए और कोई ऐसी अफवाहों पे अमल ना किया जब तक तस्दीक ना हो किसी चीज की। मेरा ईमान है अल्लाह ताला में, इंशाल्लाह आप लोग सुरखरू हो गए, आप लोगों का जज्बा जोश आज का देखने के बाद हर वो ओहदे पे बैठा हुआ आदमी जो फैसला कर सकता है उसको ये आपका जज्बा देख के, ईमान देख के जरूर एहसास होगा। और मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते में अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। सूरे बादशाह ने कुर्बानी दी थी इस खित्ते की आजादी के लिए, उस आजादी को रायगा जाने का मैं नहीं समझता कोई आसार नजर आ रहा है। सिंधड़ी सूरन में हो जे और असा सुत्ता पे आ जाऊं, यो मुमकिन कौन है? तहां वारिस आयो सिंधड़ी जा, तहां ही वारिस आयो और इंशाल्लाह ता कयामत ताई ता वारिस हुंदो। ताजे ईमान के अल्लाह ताला सलामत रखे, ताजे बचन कखड़न के आबाद रखे।
इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, ता सब भी जिंदाबाद।